नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 महीने बाद जेल से रिहा हो गए। झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन को जमानत दे दी थी। इसके बाद हाईकोर्ट का ऑर्डर फैक्स के जरिए रांची सिविल कोर्ट पहुंचा। बेल बॉन्ड भरने और फिर रिलीज ऑर्डर जेल पहुंचने के बाद उन्हें रिहाई मिल गई। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन के छोटे भाई और राज्य के पथ निर्माण मंत्री बसंत सोरेन बेल बॉन्ड भरने के लिए दस्तावेजों के साथ सिविल कोर्ट पहुंचे। कोर्ट के आदेश के अनुसार 50,000 रुपए के 2 मुचलके भरे गए। तो हेमंत को जमानत, जेएमएम को राहत। तो जमीन घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का यह पूरा मामला था और इसी मामले को लेकर उन्हें जमानत मिली। तो जमीन घोटाले के मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और 31 जनवरी को ईडी ने पूछताछ के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। और लोकसभा चुनाव के दौरान जेल में ही थे हेमंत सोरेन। हालांकि कोशिश पूरी की थी बाहर आने की, लेकिन बेल नहीं मिला था। तो हेमंत सोरेन ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए जमानत की मांग की थी और सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई थी। बिल्कुल सत्य में जीते, सत्य की जीत हुई, झूठ पराजित हुआ। न्यायालय पर एक बार और भरोसा और विश्वास अधिक बढ़ा कि न्यायालय ने दूध का दूध पानी का पानी अपने फैसले में किया और न्यायालय ने यह बताने का भी काम किया कि बेगुनाहों को आप ज्यादा दिन तक सजा नहीं दे सकते हो, चाहे केंद्र की सरकार कुछ भी कर ले। और हमें यह लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी की भी पोल खुल गई कि कैसे एक आदिवासी चेहरे को झूठ और साजिश के तहत फंसा करके जेल भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार ने किया था। हेमंत सोरेन की जमानत की खबरें हमने भी मीडिया में देखी है। हाईकोर्ट ने वो विस्तृत कॉपी को अपलोड नहीं किया है जिसमें उनके बेल के कंडीशंस और बेल के कारणों की जानकारी हो और अदालती कार्रवाई का हिस्सा होता है। कभी आपके बेल को रिजेक्ट किया जाता है, कभी आपको बेल मिलता है। अभी कुछ ही दिन पहले, मुझे लगता है 15 दिन पहले, हेमंत सोरेन की अरेस्टिंग को लेकर इन्होंने मूव किया था तो हाईकोर्ट ने अरेस्टिंग को जायज ठहराया था और कहा था कि प्रथम दृष्टया इनको जो जमीन हड़पने का आरोप है वो सही है। लेकिन आज दूसरा केस था जिसमें बेल का मामला था, खबरें आ रही कि उनको बेल मिल गई। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा में जिस तरीके का जश्न मिल रहा है, साहब कंफ्यूजन में ना रहे, ये उनको बेल मिला है, दोष मुक्त नहीं हुए। जमीन घोटाला मामले में आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज माननीय न्यायमूर्ति रंजन मुखोपाध्याय की अदालत ने फैसला सुना दिया है और उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की है। इस मामले की सुनवाई पूर्व में 13 जून को पूरी कर ली गई थी और फैसला सुरक्षित था, जिस पर आज फैसला माननीय अदालत ने सुना दिया है। तो दिल्ली में शुक्रवार की सुबह भारी बारिश के बीच कई इलाके में जलभराव हो गया। इस दौरान शहर के मुख्य इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होने के साथ साथ यातायात बाधित हुआ, जिसके बाद दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ये बताया कि शहर में नालों की क्षमता से ज्यादा पानी गिरने की वजह से ऐसे हालात बने हैं। उन्होंने ये कहा कि लोगों को ये समझना होगा कि अगर 228 मिलीमीटर पानी गिरा है तो पानी निकलने में समय तो लगेगा। तो जल भराव से कई गाड़ियां फंस गई। दिल्ली के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और जिससे यातायात बाधित हो रहा है। ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भारी बारिश के चलते। ये 6 तस्वीरें कैनॉट प्लेस, कर्तव्य पथ, मूलचंद, लोधी गार्डन, शांति पथ और लोधी एस्टेट। ये 6 तस्वीरें देखिए और बारिश की संभावना और बारिश की कितनी बारिश हुई है इस बात का अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगाइए कि सड़कें नदी में परिवर्तित हो गई।
तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। वाराणसी से यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं, काशी विद्यापीठ में मोबाइल लेकर परीक्षा दे रहे छात्र, मोबाइल लेकर परीक्षा देते हुए वीडियो वायरल हुआ है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। पत्रकारिता के प्रथम सेमेस्टर के ये छात्र बताए जा रहे हैं। हालांकि इंडिया वॉइस इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। काशी विद्यापीठ में मोबाइल लेकर परीक्षा दे रहे हैं छात्र और इसका बकायदा वीडियो भी वायरल हो रहा है। अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसमें जांच के आदेश दिया है विश्वविद्यालय ने, और पत्रकारिता का यानी जर्नलिज्म का प्रथम सेमेस्टर का यह एग्जाम चल रहा था और इंडिया वॉइस इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। मेरठ से यह खबर है, आपको बता दें कि माफिया की अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला है। मेरा का बुलडोजर यानी एमजीए का बुलडोजर, माफिया आदेश फौजी ने अवैध कॉलोनियां खड़ी की थी जिनको ध्वस्त कर दिया गया। तो ध्वस्तीकरण के दौरान एमजीए टीम के साथ बदसलूकी हुई और सरकारी कार को गुंडों से रुकवाने की कोशिश भी की गई। प्राधिकरण ऑफिस में आकर हंगामा भी किया माफियाओं ने। माफिया और गुंडों पर हालांकि केस दर्ज कराएगा प्राधिकरण। मेरठ के खिरवा रोड पर माफिया की अवैध कॉलोनी है जिस पर एमईडीए की बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई और ध्वस्तीकरण के दौरान बुलडोजर कार्रवाई के दौरान टीम पर हमला, टीम के साथ बदसलूकी, काम को सरकारी काम को रुकवाने की कोशिश भी हुई। इस बीच प्राधिकरण ऑफिस में आकर माफिया हंगामा कर। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। विधानसभा उपचुनाव और एमएलसी चुनाव पर मंथन हुआ इस बैठक में। सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों मौजूद रहे। बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मीटिंग में शामिल हुए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, एमएलसी और विधानसभा उपचुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, साथ ही उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में मौजूद रहे, साथ ही संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी शामिल थे। तो एमएलसी और आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर यह बैठक। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। आसिफ, आज जो बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई, इसमें मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री के अलावा कौन कौन से नेता मौजूद थे और इस बैठक में क्या कुछ सामने निकल कर आया? आसिफ जी बिल्कुल सीएम, आज मुख्यमंत्री आवास पर जो कोर कमेटी की बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक हुई उसमें डिप्टी सीएम दोनों रहे केशव प्रसाद और साथ ही साथ कई मंत्री इस बैठक में हिस्सा बने और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य रहा कि जिस तरह से उप विधानसभा के 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उस पर बीजेपी का परचम लहराया जाए और साथ ही साथ जो एमएलसी का एक पद रिक्त है उसको उस पर भी बीजेपी के प्रत्याशी को एमएलसी बनाया जाए और इस मौके पर सभी से रायशुमारी भी की गई क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रत्याशी भीतरघात का शिकार हुए और यही वजह रही कि यूपी में कम सीटों पर ही संतोष करना पड़ा बीजेपी को, 33 सीटें ही जीत पाई बीजेपी और खासकर जो हॉट सीटें रही वहां भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तो इससे सबक लेते हुए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज जो बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक बुलाई थी इसमें जो अंतर कला बीजेपी में पनप रही थी क्योंकि कई लोकसभा सीटों पर हार के बाद जिस तरह से जो है अंतर कला खुलकर भी सामने आई थी तो इससे निपटने के लिए एक रणनीति बनाई गई और साथ ही साथ जो उनके मंत्री हैं और जो खास
यानी कि पदाधिकारी हैं उनसे भी रायशुमारी की गई कि आखिर उपचुनाव के रण को किस तरह जीता जा सके। जी सीओ आसिफ, जिस तरीके से हमने देखा कि लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में भूपेन्द्र चौधरी, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी, हालांकि इस्तीफा उनका एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन एक जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। क्या यही वजह है कि मुख्यमंत्री से लेकर दोनों उप मुख्यमंत्री, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र और इसके बाद संगठन महामंत्री धर्मपाल, यानी कि जो आगामी विधानसभा उपचुनाव है उसको लेकर और एमएलसी के चुनाव को लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी जो वीक पॉइंट है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ना चाहती है, और यही वजह है कि ये बैठक हो रही है और इस बैठक में तमाम इन मुद्दों पर और इन खामियों पर चर्चा की गई। तौर पर जिस तरह से लोकसभा चुनाव में सीएम कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर अंतरकला भी सामने आई और कहीं ना कहीं जो है जो कोर होता था वो खिसक गया और कई ऐसे मामले रहे जिसको लेकर बीजेपी जो है लोकसभा चुनाव में बैकफुट पर भी नजर आई, जिससे सबक लेते हुए आज जो बैठक बुलाई गई यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो कहीं ना कहीं जो पार्टी में अंतरकला चल रही थी उसे दूर करने की कोशिश भी की गई। और बात करें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की, तो भूपेंद्र चौधरी ने इस्तीफा भी दिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद लगातार हार और जीत को लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जो है मंथन कर रहे हैं। खुद इस बार उपचुनाव को लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमान अपने हाथों में ले रखी है। वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे मुद्दे रहे जिसको लेकर बीजेपी के प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा, इसको लेकर भी यूपी सीएम योगी। आसिफ, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से लगातार बैठकों का दौर तो जारी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर जो बाकी दोनों उप मुख्यमंत्री हैं वो भी लगातार बैठकें, चर्चाओं का दौर चल रहा है, अगर बीजेपी आगामी उपचुनाव में, ये जो विधानसभा उपचुनाव है, अगर इसमें 10 में 10 क्लीन स्वीप कर दे और एमएलसी का जो ये चुनाव है अगर इसमें भी ये जीत जाए, तो लोकसभा चुनाव में जो चोट दिल पे लगी थी भारतीय जनता पार्टी को, क्या ये जीत उसमें थोड़ा बहुत ही सही लेकिन मरहम का काम करेगी? जी बिल्कुल सोम, जिस तरह से अगर बात करें अयोध्या की सीट पर, तो अयोध्या की सीट पर कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, लेकिन यहाँ पर मिल्कीपुर जो सीट है अगर यहाँ पर जीत दर्ज कराते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो मनोबल है वह बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ करहाल सीट की बात करें तो या सपा प्रमुख अखिलेश यादव की सीट रही है, इस पर अगर जीत दर्ज कराते हैं तो बीजेपी का मनोबल भी बढ़ेगा और एक तरह से जो 2027 की जो रण है वह भी पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि आने वाले 2027 के चुनाव में किसका किला फतह होता है। और जिस तरह से इस चुनाव को लेकर मंथन चल रहा है, चाहे सपा कर रही है या बीजेपी कर रही है या फिर बसपा, सबको यह पता है कि यह चुनाव कहीं ना कहीं 2027 के लिए आईना है। अगर इस चुनाव पर मजबूत पकड़ बनाते हैं तो जो वोटर का बिखराव कई पार्टियों में होता है वह रुक जाएगा, जनता में कंफ्यूजन भी दूर होगी और साथ ही साथ 27 का रण जीतने के लिए आसान भी होगा। और यही वजह है कि लगातार मंथन का दौर चल रहा है, बीजेपी एक तरफ मंथन कर रही तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के नेता भी पूरी तरह से हर सीटों पर अपनी समीकरण बैठाने के लिए जो है रात दिन मंथन कर रहे हैं, नेताओं से रायशुमारी कर रहे हैं। तो यह चुनाव कहीं ना कहीं 2027 का आईना है और इस चुनाव को किसी भी हाल में ना तो बीजेपी अपने हाथों से जाने देना चाहती है और ना ही समाजवादी पार्टी इसमें हार देखना चाहती है। आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो अगली खबर लखनऊ से है, जहां गोमती नगर में परिजनों की डांट से नाराज होकर चार नाबालिग बच्चियों और एक लड़के ने घर छोड़ दिया। बच्चों के न मिलने पर परिजनों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने टीम बनाकर बच्चों की तलाश शुरू की और 24 घंटे के अंदर बच्चों को सकुशल बदायूं से बरामद कर लिया गया, जहां वो बच्चे यूपी के बाहर जाने की फिराक में थे। बच्चों को सकुशल बरामद करने पर परिजनों ने इंस्पेक्टर और उनकी टीम को धन्यवाद किया, उनका आभार व्यक्त किया।
तो परिजनों से नाराज होकर बच्चे प्रदेश को छोड़ने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने इस बीच उन्हें बदायूं से बरामद किया और उनके परिवार को सकुशल उन्हें सौंप दिया। तो रुकेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के अतरौली थाना इलाके की मंडी में एक युवक को सांप ने काट दिया, जिसके बाद गंभीर हालत में परिजन युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स की टीम युवक के उपचार में। रुकेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के छर्रा थाना इलाके के नगला जफर से एक युवक के बच्चों को अश्लील वीडियो दिखाने का मामला सामने आया। इसका विरोध करने पहुंचे एक अधेड़ के आरोपियों ने लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी। इसका इलाज के दौरान दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में मौत हो गई। आक्रोशित परिजन शव लेकर थाने पहुंचे और थाने का घेराव करके प्रदर्शन किया। परिजनों ने पुलिस पर निष्पक्ष कार्रवाई न करने के आरोप लगाए। तो वहीं अलीगढ़ के गोंडा में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की घटना सामने आई है। आपको यह बता दें कि परिजनों ने पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है और पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। पीड़ित बच्ची को मेडिकल चेकअप के लिए भेजकर उसका मेडिकल चेकअप करवाया गया और घटना गोंडा थाना इलाके के एक गांव की बताई जा रही है। तो वहीं केजीएमयू हॉस्पिटल में गोरखपुर से आए मां बाप ने बच्चे की मौत के बाद हंगामा कर दिया। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। माता पिता का यह कहना है कि लगातार बच्चे की पल्स रेट गिर रही थी और इसकी जानकारी देने के बाद भी डॉक्टर और स्टाफ मौके पर नहीं पहुंचे। परिजनों ने डॉक्टरों पर धमकाने का भी आरोप लगाया है, जिसमें पुलिस और बाहर कहीं शिकायत करने पर डॉक्टर और नर्स ने बच्चे के शव को लावारिस में डालने की धमकी दी। केजीएमयू में बच्चे की मौत के बाद हंगामा और मां बाप ने डॉक्टरों पर यह गंभीर आरोप लगाया। तो वहीं गर्मी की छुट्टियों के बाद अब प्राथमिक विद्यालय खुल गए। इस दौरान रायबरेली के बतमऊ कंपोजिट विद्यालय में अनोखा नजारा देखने को मिला। बच्चों के स्कूल पहुंचने पर उनका स्वागत फूल देकर और माथे पर टीका लगाकर किया गया। इस दौरान शिक्षक और बच्चे दोनों बेहद खुश नजर आए। तो वहीं मेरठ में शास्त्री नगर के पौश कॉलोनी में बड़ी घटना हो गई। दिन दहाड़े कपड़ा कारोबारी के घर पर बदमाशों ने धावा बोल दिया। बदमाश मेहमान बनकर जबरदस्ती घर में घुसे और फिर गन पॉइंट पर बुजुर्ग दंपत्ति को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। लाखों की नगदी और जेवर लेकर वहां से बदमाश रफू चक्कर हो गए। आपको यह बता दें कि सरदना विधायक अतुल प्रधान के घर के पास ही ये वारदात हुई, जो हम आपको बता रहे हैं। तो वहीं फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में चोर ने मोबाइल की दुकान से फोन चोरी कर लिया। चोर ग्राहक बनकर दुकान में पहुंचा और मोबाइल चोरी कर वहां से फरार हो गया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुकानदार की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। जालौर से यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं। बेनमाल के युवक की चीन में हत्या और अपहरण कर परिवार वाले से 1 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई। चाइना से शव भारत लाने की सरकार से गुहार लगाई गई है।
सांसद चौधरी के साथ विदेश मंत्री से पीड़ित परिवार मिला और चाइना से शव को भारत लाने की सरकार से गुहार लगाई गई। तो अपहरण करके 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई और इसके बाद युवक की हत्या। तो चाइना से शव भारत लाने के लिए पीड़ित परिवार सरकार से गुहार लगा। सांसद चौधरी के साथ साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी गुहार लगाई। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जेल से बाहर आने के बाद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने इस साल अपनी बड़ी जीत बता दिया और बीजेपी को जमकर निशाने पर लिया। हेमंत सोरेन 5 महीने बाद रांची जेल से रिहा हुए हैं और जमीन घोटाले मामले में हाईकोर्ट से उनको जमानत मिली। किया जा रहा है ये भी किसी देश पूरे देश में छुपा नहीं है और न्याय पाने में जो वक्त लगता है वो वक्त जो सामान्य वक्तों से महत्वपूर्ण वक्त होते हैं उन वक्तों को बड़े सुनियोजित तरीके से वर्तमान वक्त में लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। एक झूठे मनगढ़ंत कहानी गढ़कर मुझे 5 महीनों तक जेलों के अंदर रखा गया। इसी प्रकार आप देख रहे होंगे देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं पत्रकार बंद है, कहीं सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले लोग और उनकी आवाज को कुचलने का काम किया जा रहा है। दिल्ली में मुख्यमंत्री जेल में बंद हैं, कई एक मंत्री रहते हुए लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है और न्याय की प्रक्रिया इतनी लंबी हो रही है कि दिन महीने नहीं वर्षों लग रहे हैं और कहीं ना कहीं जो लोग पूरी शिद्दत के साथ अपने अपने राज अपने अपने समाज अपने अपने देश के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं उन सब में बाधाएं डाली जा रही है। आज मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा लेकिन आज अंतोगत्वा मैं फिर से राज्य की जनता के बीच में हूं और जो लड़ाई हमने और जो संकल्प हमने लिया है उसको निश्चित रूप से मकाम तक भी पहुंचाने का हम काम करेंगे। आज मुझे लगता है ये एक संदेश है राज्य के लिए नहीं पूरे देश के लिए कि किस तरीके से हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया है। अभी कानून के जो आदेश हैं वो आपके सामने आपको देखने को मिलेगा और किन बातों को उसमें उद्धृत किया गया है वो भी आपको देखने को मिलेगा। मैं अपनी जवान से कहना नहीं चाहता इसलिए मुझे लगता है जो भी न्यायालय के आदेश हैं उस न्यायालय के आदेश को आप लोग
बेहतर तरीके से आकलन करें। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।